हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड गाइज, मैं बहुत टाइम बाद लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोज लेकर आया हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज एक लाइक तो बनता है यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है देन थैंक यू सो मच। एंड इफ यू गाइज वंडरिंग कि मैं कुर्ता वुर्टा डाल के क्यों बैठा हूँ, सो क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो आई थॉट क्यों ना आज इंडियन पहना जाए। एंड फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू टू दिवाली डेकोरेशन आइडियाज दैट यू कैन ट्राई एट योर होम, जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट्स चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फॉर द फर्स्ट डीआईवाई मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कार्डबोर्ड पीस। एंड ऊपर के पेपर को इस तरीके से रिमूव कर लेना है क्योंकि मैं ये पैटर्न वाला साइड यूज करूँगा। एंड मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर लिया है और अभी एक सर्कल भी कट कर लेना है कार्डबोर्ड से और फिर दोनों पीसेस को एक साथ अटैच कर लेंगे। एंड मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन का यूज़ करा है। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप व्हाइट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। और अभी लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है एंड यहाँ पे भी ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। एंड अभी हम इस पर बेस कलर करेंगे। एंड बेस कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है व्हाइट एक्रेलिक कलर। एंड अच्छे से कलर करके ड्राई होने के लिए रख देंगे। एंड बेस कलर ड्राई होने के बाद हम इस पर कलर करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ करा है। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है, आपका जो भी फेवरेट कलर है, आप उसी से कलर कर लेना। एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करके बाकी के सारों पीसेस भी बना लिया है। और अभी हमें लेना है बेम्बो स्टिक या फिर आप वुडन स्टिक्स भी ले सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे 2 फीट लॉन्ग बेम्बो स्टिक का यूज़ किया है। एंड फिर जूट रोप के हेल्प से बेम्बो स्टिक को अच्छे से कवर कर लेना है। एंड मैं यहाँ पे इन सबको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूँ। आप लोगों को जिस भी पैटर्न में इसको लेना है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिर बैक साइड में ग्लू लगा के जूट रोप को अटैच कर लेंगे एंड देन सभी पीसेस को बेम्बो स्टिक पे टाई कर लेंगे। एंड नाउ यहाँ पे मैं ये बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस, दिस इज व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट DIY हमें चाहिए पुराने बैंगल्स एंड ऊल। एंड मैंने यहाँ पे 3 बैंगल का यूज़ करा है ताकि हमारा फ्रेम थोड़ा सा अच्छा बने। बैंगल्स को ऊल की हेल्प से इस तरीके से कवर कर लेना है। एंड मैंने यहाँ पे ये दोनों पीसेस बना लिया है। अभी हमें लेना है लेस एंड लेस को इस तरीके से बैंगल्स में अटैच कर लेना है। एंड गाइस, ये हमारे दिया के लिए स्टैंड बन रहा है। एंड मैं यहाँ पे 3 लेस अटैच कर रहा हूँ। एंड अभी दिया के लिए स्टैंड तो बन गया, अभी हम दिया पे पेंट करेंगे। सो मैं यहाँ पे सेम थीम का फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा स्टैंड पिंक कलर और ब्लू कलर का है तो मैं यहाँ पे दिया पे भी सेम कलर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड बाय द वे, मैं यहाँ पे पेंट करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे कुछ डिटेलिंग वगैरह भी ऐड करेंगे। एंड गाइस, मैं ये बहुत ही सिंपल बना रहा हूँ ताकि हर कोई इसे रिक्रिएट कर सके। एंड नाउ मैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स वगैरह ऐड कर लूंगा। और अभी हमें दिया पे कैंडल वैक्स फिल कर लेना है। एंड इट्स रेडी, हमारा दिया विथ स्टैंड रेडी हो गया। ओके
ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो आप लोगों को मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।